अब आप सभी के पास वापस आएंगे, लेकिन प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया रामपुर खास से चुनाव जीतने का, भी उनकी पुत्री चुनाव मैदान में, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आपको दिखाते हैं। का कारण है प्रमोद तिवारी के बाद अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा ने कमान संभाल ली है और जीत का दावा भी कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे रामपुर खास की लड़ाई बहुत खास है इस बार। प्रमोद तिवारी की बेटी यानी कि पूर्व विधायक की बेटी इस बार फिर से मैदान में है कांग्रेस की उम्मीदवार बनके। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं, कितना भरोसा है इस बार? लगातार हैट्रिक लगाने जा रही मोना जी तीसरी बार जीत की, और जो उम्मीदवार है भाजपा का वो भी हैट्रिक लगा रहा है लेकिन हार की। इस बार जनता का जो मिजाज मुझे समझ में आ रहा है, उसने मन बना लिया था चुनाव के पहले ही कि उसे मोना जी को कम से कम 50,000 के पार 55,000 से जिताना है। इस बार जिस तरह सभाओं में भीड़ होंगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जनता में उत्साह था, ये चुनाव मोना जी नहीं लड़ी, ये चुनाव रामपुर खास की जनता ने लड़ा है। 9 बार विधायक आप रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस पर आपने, बेटी को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस बार चुनाव में कुछ अलग है क्या? देखिए, अगर 9 बार मेरा रिकॉर्ड बना और 12वीं बार मोना का बनने जा रहा है, तो इसके लिए अगर किसी को धन्यवाद दिया जा सकता है तो रामपुर खास के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने विश्वास बनाए रखा और हमने उनके विश्वास को नहीं तोड़ा, तो रामपुर खास के साथ हमारा विश्वास और विकास का नाता है। जब पहले की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं और इस बार की लड़ाई, क्या पहले और इस चुनाव में अंतर क्या है और क्या इस बार की लड़ाई ज्यादा मुश्किल है? मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार की लड़ाई पहले के कई चुनाव से ज्यादा आसान है, या तो 85 में या 96 में हमें इतना समर्थन मिला था जनता का जो अब मिलता है। बीजेपी कह रही है सरकार में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है सत्ता में आने का, कांग्रेस कहाँ? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा 100 को आंकड़ा नहीं पार कर रही, सैकड़ा नहीं, मैं एक एक विधानसभा कैलकुलेट कर कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार गठित करेगी। जब कांग्रेस के दावा कर रहे हैं कि बहुत आसान चुनाव है, ऐतिहासिक रूप से आसान चुनाव है, ऐसा समर्थन बहुत कम मिला है कांग्रेस पार्टी को जो इस बार मिलने जा रहा है, ये उनका दावा है।